टैली ओपन कर लूँ, टैली ओपन करेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आएगा, और एसकेपी के द्वारा पैसा नहीं आ सकता। एसकेपी है आपके कीबोर्ड में जो सबसे फर्स्ट की दी गई है आपकी, इससे बैक आएंगे आप उसमें। जैसे आप बैक आते हैं तो आपके सामने स्लैब कुछ हो जाता है, नेम ऑफ कंपनी में किसी और की कंपनी का नाम, और यहाँ पे आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली का। गेटवे ऑफ टैली से आप सारे शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं, तो पहले आपको इसे क्लोज करना रहेगा। तो क्लोज किससे करते हैं, अल्टर प्लस F1, तो यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप कीबोर्ड से अल्टर के साथ F1 करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कंपनी जो ओपन थी वो क्लोज हो जाएगी। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी कब करते हैं, जब आपकी कंपनी पहले से बनी हुई होती है, और क्रिएट कंपनी कब करते हैं, जब आपको न्यू बनानी होती है, तो अपन यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे रहेगा आपका नेम, आप जो भी यहाँ पे नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम दे देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये दे दिया। एंड मेलिंग नेम में, मेलिंग नेम में क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर जो भी नाम रहने देते हैं वो आपका जो आप प्रिंट आउट देंगे स्लिप का स्टूडेंट को, तो आप यहाँ पर जो प्रिंट प्रिंट आउट देते हैं तो वो आपका जो नाम आता है प्रिंट पे स्लिप पर, वो मेलिंग नेम में जो लिखा होता है वो नाम देता है। जैसे आपने यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया, और जैसे हम यहाँ पे ब्रेकेट में क्या कर देती है, कुछ नाम और भी लिख देते हैं, संचालक का नाम लिख देते हैं अपन यहाँ ब्रेकेट किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं छोटा छोटा हो गया, ठीक है। अब ब्रेकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे जहाँ कहीं भी स्कूल है, एंटर। फिर यहाँ पे आप अगर आपको मोबाइल नंबर डालना तो आप वो भी डाल देंगे, ठीक है, एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे, कंट्री, तो इंडिया वाली भी सिलेक्ट है अपनी, एंटर। इंडिया के किस स्टेट, तो आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, तो एम प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एम से जो नाम रहेंगे स्टेट के वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे, डार्क कलर में आ जाएंगे थोड़े, तो आप एरो की से भी उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से भी सेलेक्ट, सॉरी माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे आप पिन कोड डाल देंगे, जो भी आपका पिन कोड रहेगा, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे अपन अकाउंट ऑन ले लेंगे, और इसे अपन कंट्रोल प्लस ए से और सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि बाकी क्योंकि अपन यहाँ पे स्कूल का वर्क कर रहे हैं। बिजनेस टैली में आपका इन्वेंट्री वाला रहता है, और नॉन बिजनेस में आपका अकाउंट ऑन रहता है। पासवर्ड आप दो टाइप दे सकते हैं, एक तो यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से अगर आप पासवर्ड देते हैं तो आपकी कंपनी का नाम नहीं होता, और नीचे एक और दिया रहता है नो करके दिया रहता है, उसे अगर आप यस करते हैं तो पहले वो आपसे यूजर नेम पूछेगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर नेम, उसका पासवर्ड पूछेगा, तो उसमें आपकी कंपनी का नाम से होता है, वो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपने स्कूल बनाया, मतलब स्कूल आपने का ओपन हुआ है, अब इसमें स्टूडेंट आएंगे तो वो एडमिशन लेंगे, तो जो स्टूडेंट आते हैं तो आप उनका पहले लेजर तैयार करते हैं। लेजर बनता है ALC, ALC कब प्रेस करना है, जब आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पर होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पे हैं, कहाँ पर हैं, हम करते हैं वी प्रेस करते हैं, भी हमने वी प्रेस किया और यहाँ से आप ALC करें, ALC अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपका लेजर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो अपन बैक चलते हैं, बैक जाना है आपको एस्केप के द्वारा, ऐसा नहीं है इसमें माउस से बैक नहीं जा सकते हैं, और ना ही इसे आप माउस से यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, एस्केप के द्वारा ही बैक होती है। तो ALC का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ए का मतलब अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, एल का मतलब लेजर, सी का मतलब क्रिएट, तो क्या हो जाएगा ALC। जैसे आप ALC प्रेस करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आप उस स्टूडेंट का लेजर तैयार करेंगे जो यहाँ पे आपके पास एडमिशन लिया है, जिसमें जैसे कि मान के चलिए मैं ये लिख दिया, एंटर करेंगे। एलआईएस में आप इसका मोबाइल नंबर या ओपन नेम, मतलब दूसरा कुछ नाम है तो वो डाल देंगे आप, या एड्रेस भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक। एंड अब ये अंडर में कहाँ जाएगा, डायरेक्ट इनकम में, तो आप यहाँ से डी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यार है डायरेक्ट इनकम, ये स्कूल के लिए क्या रहती है, इनकम होती है। जैसे कि आप मान के चलिए स्कूल है आपका, जब स्टूडेंट फीस देगा तभी तो उसकी इनकम होगी, इसलिए स्कूल के लिए क्या रहती है, डायरेक्ट इनकम रहती है। हाँ ये आएगा, ठीक है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, स्टूडेंट का कर लिया आपने।
इसके बाद आप इसी टाइप से सेकंड स्टूडेंट का ले लेंगे, जो भी और स्टूडेंट है आपके पास। एंड यहाँ पे आप उनका अगर मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं तो वो भी ले लेंगे आप, एड्रेस वगैरह लिखना तो वो भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। एंड अब आपने ले जाते हो यहाँ पे तो तैयार कर लिए, क्योंकि दो स्टूडेंट आए थे आपके पास। अब आप क्या करेंगे कि बाउचर एंटर करेंगे। बाउचर एंटर करने के लिए क्या करते हैं, वी प्रेस करते हैं आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अकाउंटिंग बाउचर आप इस पर क्लिक करके एंटर भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा बाउचर सेलेक्ट है आपका, यहाँ पे पेमेंट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीव। जब भी आपके पास कोई स्टूडेंट क्या करता है, एडमिशन लेता है, वो आपको फीस देगा, तो आप उसकी रिसीव बाउचर में एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे रिसीव बाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के सामने F4 लिखा है, ये F5 है, ये F6, F7, ये बाउचर को एक्टिवेट करने की शॉर्टकट की रहती है। जैसे कि हम F5 की करते हैं कीबोर्ड से, हमने F5 की तो आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा बाउचर आ गया है, पेमेंट। और F6 करेंगे आप तो कौन सा आ जाएगा, रिसीव, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 आ रहा है, 2 में क्या आएगा, उस पर्सन का नाम आएगा जो पर्सन आपको फीस दे रहा है। और अगर यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट आता है तो उसे आप क्या कर लेंगे, 2 बाय कर लेंगे। या अगर आपको डेबिट क्रेडिट में समझ आ रहा है तो आप उसी में एंट्री कर लेंगे। जैसे आप F12 प्रेस करते हैं, F12 कब प्रेस करना है, बैक जाते हैं जब आप बाउचर एंट्री में होते हैं, ठीक है। आप बाउचर एंट्री में है और F12 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यूज डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है, नो है। अगर आपको 2 और बाय में एंट्री करनी है तो इस ऑप्शन को आप नो रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसे यस कर देंगे और इसे सेव कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट आ गया। क्रेडिट में क्या आएगा, पर्सन का नाम। क्रेडिट मींस क्या होगा आपका, 2, और डेबिट मींस बाय। तो आपको जिस भी उसमें क्या करना हो, एंट्री करना हो, आप यहाँ से कर सकते हैं, जिस भी मोड में, डेबिट क्रेडिट में करना है या 2 बाय में करना है। लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि आप डेबिट और क्रेडिट में करें, 2y भी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है, नहीं है 2y अच्छा नहीं है। लेकिन आप लोग जैसे कि कुछ स्टूडेंट शायद कॉमर्स से होंगे, हैं कुछ स्टूडेंट, नहीं है कॉमर्स से है जो भी स्टूडेंट, तो उन्होंने शायद उनकी अकाउंट देखी होगी 12th में, उसमें भी डेबिट क्रेडिट लिखा रहता है। और जब वो आगे पढ़ाई करेंगे ना, कॉलेज की करें, कॉलेज के बाद भी करें, जैसे हम MBA कर रहे हैं, MBA में सब्जेक्ट है इसका टैली का, उसमें हमेशा डेबिट क्रेडिट चलता है, 2y चलता ही नहीं, वो हमेशा डेबिट क्रेडिट देते हैं। अगर आप 2y का यूज करते हैं तो फिर आप डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज होते हैं कि डेबिट मींस क्या होता है, क्रेडिट मींस क्या होता है, ये क्लियर है मतलब, नहीं वो आपके ऊपर है, आपको जैसे भी एंट्री करनी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 2 रखना चाहते हैं तो 2 भी ले सकते हैं, और क्रेडिट रखना चाहते हैं तो क्रेडिट भी रख सकते हैं। उसकी सेटिंग कहाँ से होती है, F12 से। F12 करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यस आ रहा है, आप इसे नो कर देंगे, एंटर कर देंगे, कंट्रोल से सेव कर देंगे तो 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, 12th क्लास का स्टूडेंट है, वो आपके पास यहाँ पे एडमिशन लेने आ रहा है, तो यहाँ पे है 12th, या फिर आप उसका मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, एंटर करेंगे। अब उसने कितनी फीस जमा की है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे 1000 की है उसने, एंटर। बाय में क्या आ जाएगा, अगर नगद की है तो क्या आ जाएगा, कैश, और फोन पे द्वारा की है तो बैंक। तो अपन अभी कैश ले लेते हैं, एंटर। नरेशन क्या लिख देंगे, टोटल फीस कितनी है, पर मंथ कितनी करेगा और कितने मंथ तक करेगा, तो आप उसकी कंडीशन याद रहेगी कि इसकी ये कंडीशन है आपकी, एंटर करके उसको सेव कर देंगे। अभी नेक्स्ट मंथ में फिर आ रहा है फीस पे करने, तो फिर से आप इसकी फीस पे करेंगे, तो इसका देखिए अमाउंट पहले का कितना बता रहा है, 1000। जैसे ये 1000 और करेगा फीस पे, तो इसका अमाउंट कितना बता देगा, 2000, एंटर करके उसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब सेकेंड स्टूडेंट आता है, एंड अभी कितनी फीस पे कर रहा है, ये कर रहा है मान के चलिए एक साथ इसने फीस पे की है 12000 कर दे, ठीक है, पूरी क्लियर कर दी, मतलब फोन पे द्वारा किया तो बैंक आ जाएगा, और नगद किया तो कैश आ जाएगा, कैसे लेती है। अब यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, फीस रिसीव क्लियर, मतलब उसने फीस क्लियर कर दी पूरी, एंड करके उसको सेव कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा। और अभी यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए और स्टूडेंट आ जाते हैं, और आप यहाँ पे बाउचर एंट्री कर रहे हैं, अगर आपको यहीं से लेजर बनाना हो डायरेक्ट, अल्टर प्लस सी होता है, अल्टर सी, ठीक है। जब आप बाउचर एंट्री में होते हैं और आपको यहीं से डायरेक्ट लेजर क्रिएट करना है, तो क्या होती है उसकी शॉर्टकट की, अल्टर प्लस सी। कीबोर्ड से